हाय गाइस, दिस इज मुची वेर वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेथ ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्मॉल इंग्लिश सेंटेंसेस जिनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है घबराओ मत। इसकी इंग्लिश होती है डू नॉट पैनिक। तो याद रखिएगा, जब भी आपको किसी से ये कहना हो कि घबराओ मत, तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे डू नॉट पैनिक, बिकॉज पैनिक का मतलब होता है घबराना। आप जान ही गए होंगे कि घबराओ मत को इंग्लिश में क्या बोलना है, तो आप आज से ही और अभी से ही इस तरह के सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हो गया। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा इट्स डन, इट्स डन। तो वेरी सिंपल है, जब भी आपको ये कहना हो गया तो आप कह दीजिएगा इट्स डन। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अपने आप पर काबू रखो। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। ओके, चलो जानते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा ही होगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इट विल बी सो, इट विल बी सो। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुमसे मतलब, तुमसे मतलब। ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता है। जी हाँ, ये जो सेंटेंस है तुमसे मतलब, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एनी कंसर्न टू यू, एनी कंसर्न टू यू। जी हाँ, हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम हिंदी में बात करते हैं तो इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं। ज़्यादातर आपने लोगों को बोलते सुना भी होगा या आपने भी बोला होगा तुमसे मतलब, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे एनी कंसर्न टू यू। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सुखे से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अभी ठीक करो, उसे अभी ठीक करो। मतलब आपको किसी भी चीज़ को ठीक कराना है, फॉर एग्जांपल आपको अपनी वॉच को रिपेयर कराना है, अपनी घड़ी को सही कराना है, या कोई भी चीज़ को सही करवाना है, ठीक कराना है, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे फिक्स दैट राइट नाउ, फिक्स दैट राइट नाउ। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ किस काम से आए हो, यहाँ किस काम से आए हो, या फिर यहाँ किस काम से आना हुआ है। ज़्यादातर ये सेंटेंस बोला जाता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस से बहुत दिन हो गए देखा नहीं। जी हाँ, जब आपको ये कहना होता है कि बहुत दिन हो गए देखा नहीं, तो इसको इंग्लिश में यू बोला जाएगा लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ये कहना हो कि बहुत दिन हो गए देखा नहीं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कहाँ थे अभी तक, कहाँ थे अभी तक। तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर वर यू सो लॉन्ग, वेयर वर यू सो लॉन्ग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ तो लो, कुछ तो लो। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हैव समथिंग, हैव समथिंग। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये फिजूल है, ये फिजूल है। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज बुलशिट, दिस इज बुलशिट। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मिलते रहना। जी, जब आपको ये कहना हो कि मिलते रहना, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा कीप इन टच, कीप इन टच, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने गड़बड़ कर दी, तुमने गड़बड़ कर दी। तो इसकी इंग्लिश होगी यू मेस्ड अप, यू मेस्ड अप। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ये बात तो आपको भी पता होगा कि कोई बात नहीं, इसका मतलब होता है नेवर माइंड, ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं। मैं पैसे दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं पर अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं पैसे दूंगा, तो इसकी इंग्लिश कहेंगे इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। तो याद रखिएगा, मैं पैसे दूंगा तो आप कहेंगे इट्स ऑन मी, ठीक है ना। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सुगेत, अपना नेक्स्ट सेंटेंस है अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम बच्चे नहीं हो। यू आर नॉट अ किड एनी मोर, यू आर नॉट अ किड एनी मोर, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।